अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं बना रही हूँ आज अपने किचन में सवैयाँ, वो भी विदाउट मिल्क। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स। ये देखें, मेरे पास सवैयाँ पड़ी हुई हैं। ये है मेरे पास 200 ग्राम, एक पैकेट पूरा मैंने लिया हुआ है। तो उसके साथ बादाम है, साथ में खोया है और शक्कर सॉरी चीनी है। चीनी भी मैंने क्या नाम है 150 ग्राम ली हुई है। और साथ में हमने पानी यूज़ करना है। पानी उतना लेंगे जितना कि हमारा शीरा बन जाए। पहले एक पतीली लेंगे, पैन में हम डाल देंगे चीनी और हम ये जो है हमारा पानी इसमें डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जी। तो ये देखिए चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया। अब इस पे मैं डाल दूँगी दो इलायची डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक ये पकता है तब तक हम जो है अपनी सवैयाँ है उसको फ्राई कर लेते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पैन ले रही हूँ, आप चाहो तो पतीली ले सकते हो, मैं पैन में बना रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे आधा कप घी। घी डाल देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे बादाम। इसमें हम डाल देते हैं बादाम, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा शीरा भी बन रहा है बिल्कुल। बादाम को रोस्ट कर लेते हैं हल्का हल्का सा और फिर ये रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो फिर हम इसमें सेमियाँ डालेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे सेवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इसको हल्के से रोस्ट करेंगे जी। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। बस अब इसमें जो ये हमने शीरा बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे जी। तो ये देखिए शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसमें क्या नाम है फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया, ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो आप कर लीजिएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कि शीरा हमने डाल दिए और बस अब इसको पकने देंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। अब इसको हम पकाते रहेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा। पानी खुश्क होने के बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे जी। तो ये देखिए पकना शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, ये तो सेवियाँ हमारी बिल्कुल जो है ना वो खुश्क हो जाएंगी। तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस ये देखें थोड़ा सा और इसका पानी खुश्क करेंगे फिर हम इसको दम पे रख देंगे जी। तो ये देखिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। अब 5 मिनट बाद हम इसका दम खोलेंगे जी। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें दम पे रखे हुए सेवैयाँ को। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, तो इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए मैंने सर्व कर दी है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बादाम, जो हमने रोस्ट किए हुए थे वो डाल देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे। और हम इसमें डाल देंगे खोया। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवैयाँ बनती है और बहुत ही झटपट बनती हैं। और वैसे भी जो मौसम है आजकल का, जैसे ठंड पड़ रही है हल्की हल्की सी, तो इसमें ये चीज़ों का ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो ये देखिए सवैयाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से खिली खिली बनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि झटपट सवैयाँ बनाई है मैंने विदाउट मिल्क। तो उम्मीद है, तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।